टेक्निकल डेनिस वी चैनल देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल डेनिस विली चैनल में और मैं हूं डेनिस विली। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमें हर रोज जरूर पड़ती है ऑफिस में जाने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए। दोस्तों आयन की बात कर रहा हूं मैं, आज आपको आयन के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे पास प्रेस्टीज की जो आयन है, ये जो आयन के बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूं। आयन है प्रेस्टीज की दोस्तों, ये मैजिक आयन है, मतलब 1000 वाट की है और ये जो पूरी जो बनी है प्लास्टिक की है, नीचे मेटल है, ब्लैक पाउडर कोटिंग है और साथ में उसका जो कलर जो है ब्लू एंड व्हाइट कलर है और दोस्तों ये जो वायर है उसका व्हाइट कलर का है और 3 पिन है प्लग उसका। तो दोस्तों इसके इससे साथ बहुत अच्छी, मतलब आप चाहे वुलन कपड़ा हो, कॉटन हो या फिर कोई भी, मतलब कैसा भी कपड़ा हो, अच्छे से प्रेस कर सकते हैं इसमें। ना ही कोई कुछ इसके अंदर जो वाटर स्प्रे है या कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल सीधी सादी प्रेस है दोस्तों और सस्ती है और प्लास्टिक की बॉडी है और टिकाऊ है। दोस्तों मैं आपको रिव्यू भी बताना चाहता हूँ साथ में। मैंने 6-7 महीने पहले लिया था इसको और अभी अच्छा चल रहा है। ये मैंने इसलिए अनबॉक्स आज करके बताया क्योंकि 6-7 महीने पहले मैं एक्चुअली आपको बता भी देता पहले, लेकिन पहले आपको साथ में रिव्यू बताना चाहता है कि ये प्रेस कैसे काम करती है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है प्रेस्टीज के दोस्तों। जैसे ऑन होगा उसकी लाइट ऑन चालू हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे मोड है, वुलन मोड है, कॉटन मोड है और तरह तरह का आपका कपड़ा अच्छे से अस्त्री, मतलब प्रेस हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक ही फॉल्ट है इसके अंदर, जो एक है थोड़ा वायर थोड़ा ज्यादा रहते कंपनी तो अच्छा था, बाकी ठीक है। प्रेस इज वेरी गुड, आई लव दिस आयन, अच्छा है। पहले के टाइम पे दोस्तों क्या था कि ये जो आयन थी दोस्तों, तो एक कंपनी है फिलिप्स की, वो पूरा स्टील का बॉडी हुआ था, थोड़ा हैवी था और उससे पहले जो आता था तो पूरा डंबल्स था। मतलब मेरा एक दोस्तों क्या था कि उसको, मतलब प्रेस ये इसकी बात करूं ये आयन की, तो पुराना टाइम में तो इतनी बड़ी बड़ी प्रेस होती थी घर पे, वेट भी होता, डंबल्स इतना बड़ा होता था। तो पहले उसको तो जिम में जाना था, शौक चढ़ा था उसको कि भाई मुझे जिम में जाना है। तो उसने भाई साहब ने, हम लोग डंबल्स बना के जिम में ऐसा कसरत करके मस्त आर्म्स बनाते थे, उसको भाई साहब ने उसको आयन से ही, मतलब पूरा डंबल्स बना के पूरा दिन करता रहा तो आर्म सूज गया, तो उसको इंजेक्शन लेके फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ा, तभी उसका हाथ पे से स्वेलिंग उतरा। वैसा वो प्रेस का उसने यूज किया था, वो मतलब आयन का। तो दोस्तों मतलब मॉडिफिकेशन होते होते पहले बहुत भारी था, वजन वाली थी ये जब आयन सब, इसके बाद में स्टील का बॉडी है, प्लास्टिक का हैंडल है, वायर तो ठीक सबका एक ही रेंज में आता है, मतलब कुछ 1 मीटर जितना आता है, 1.25 मीटर जितना, इतना लंबा नहीं होता दोस्तों, 1.5 मीटर ज्यादा से ज्यादा। लेकिन पहले ये थोड़ा हैवी है इसके मुकाबले, जो ये जो है मेरा हाथ में है दोस्तों, ये है फिलिप्स की और जो ये है प्रेस्टीज की, तो लाइट वेट है। आपको साथ में ट्रैवल करना है तो आप आराम से आपका ट्रैवल बैग के अंदर आप आराम से उसको साथ में ले जा सकते हैं। आप कहीं कॉलेज के स्टूडेंट है या फिर कहीं पे आप टूर पे जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी, मतलब तो आपको ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। लाइट वेट है और परफॉर्मेंस भी अच्छा देती है, थोड़ी सी ये हैवी है इसके लिए। मैं इसको अभी, बहुत पुराना भी हो चुका है मॉडल, कब से देखिए आप पूरा घिस डाला है मतलब, लेकिन फिर भी अभी चालू है, खराब तो नहीं हुई है। लेकिन उसका कॉइल कभी कभी जल जाता है तो फिर चेंज कराना पड़ता है, तो खर्चा है 100-150 रुपया। लेकिन अभी तक ये, अभी मैं 7 महीने से यूज कर रहा हूँ, कभी कुछ परफॉर्मेंस खराब नहीं हुआ है। मेरा तो शिकायत है कि वायर बहुत कम है, मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसका वायर थोड़ा लंबा मिलता तो अच्छा है, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है मुझे। सो आई रिकमेंड दिस प्रेस आयन, मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप प्रेस्टीज का आयन आप लेंगे तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। और मेरा जहां तक मैं कपड़े, मतलब जहां तक इस्त्री करता हूँ, तो ये 1000 वाट का है तो मतलब आराम से कपड़ा इस्त्री कर सकते हैं और यू विल एंजॉय योर वर्क। मतलब आप बाहर का, मतलब आज अगर आप
कहीं धोबी के पास मतलब क्लीनिंग में आप डालते हैं मतलब प्रेस आयरन कराने के लिए, प्रेस कराने के, तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा महंगा महंगा पड़ेगा आपको दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको। और एक कपड़े के कुछ 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, तो दोस्तों बहुत ज्यादा खर्चा रहेगा। और आपको साथ में ये करते करते मतलब आप वीक के अंदर एक बार करेंगे या फिर सुबह उठ के करेंगे तो फटाफट इसको इतना वेट भी नहीं, दबा के भी नहीं करना पड़ता, एकदम लाइट वेट, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चलती है, तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो आई रिकमेंड दिस प्रेस्टीज का आयन। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नीचे मैंने लिंक में डाल दी है, प्रोडक्ट की लिंक, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आज का, तो नीचे मैंने प्रोडक्ट में लिंक डाल दी है, वहां से जाके आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और कुछ आपका जो कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं नीचे, और सुझाव लिखिए आपका कुछ सुझाव है तो। और मेरी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए, और कीप वॉचिंग माई चैनल। और तब तक दोस्तों फिर मिलेगी दूसरे वीडियो में, टिल दैट कीप वॉचिंग माई वीडियो, सी यू, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू, बाय।